मेरे प्यारे बच्चों, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है जुगाड़ नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में दो जुगाड़ हम दे चुके हैं। पहला जुगाड़ में हम ये बता चुके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिटेल चर्चा कर चुके हैं, उसमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी वगैरह डिटेल चर्चा हो चुका है। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट तुम्हारा जुगाड़ नंबर 2 जो आया था, उसमें सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों क्लियर किए थे। उसी में हम लोग स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एंट्रोपी के बारे में जाने थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड और उसमें हीट चेंज से रिलेटेड, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों ध्यान देना, ये जुगाड़ चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके बाद आएगा। ये जुगाड़ का हर एक पॉइंट को दिमाग में नोट कर लेना। बात समझ गया? आज का जुगाड़ बहुत ही फंडामेंटल है, ठीक है? और समझोगे एक एक बात को, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं थर्मोकेमिस्ट्री से। ये थर्मोकेमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शन बताएंगे, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी मान। चलो शुरुआत करते हैं। पहले जुगाड़ को, हर एक जुगाड़ को नोट कर लेना, तुम वही चीज तुमको बताएंगे जो तुम्हारा आने वाला है। जुगाड़ में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो फिलहाल यहां से देखो जुगाड़ नंबर 3 पहला चलते हम लोग। रिएक्शन, रिएक्शन कहते किसको है? एक केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? बहुत फंडामेंटल टर्म। ये रिएक्शन जो है बाबू लोग, बच्चे लोग, वो ये है कि जब कोई सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस से मिलाते हैं और एक प्रोसेस होकर एक नया सबस्टांस बनाता है, उसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ रहे हो? उसमें क्या होता है, दो चीज का चेंज होता है। अगर हीट से रिलेटेड बात करें तो या तो हीट देना पड़ता है उसको होने के लिए, या तो फिर वही हीट देता है। जैसे एक तुम्हारा फंडामेंटल एग्जांपल बताते हैं, अगर तुम खाना बनाते हो, चावल या फिर दाल बनाते हो, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक बार चेंज हो गया फिर से वापस नहीं लौटता है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कुल मिलाकर यहां से देखो कि जब उसको हम दाल बनाते हैं तो दाल को हीट करना पड़ता है, तब दाल बनता है, दाल बनता है। समझ रहे हो? हीट करते हैं तो जिसमें हीट लगता हो उस तरह का रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मतलब हीट जो है वो अंदर लिया, इंडोथर्मिक। बात समझा? और दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर चुन्ना पत्थर ले लो तुम, ये फंडामेंटल लोग देखता होगा आपस गांव घर में, चुन्ना पत्थर को अगर पानी में डाल दो तो कुछ देर तक वो डबकने लगता है, कुछ देर के बाद डबकने लगता है, मतलब हीट देने लगता है, गर्म हो जाता है। गर्म हमने किए, गर्म खुद वो कर दिया। बल्ट अगर प्लास्टिक का बाल्टी में अगर तुम वो कर दोगे तो प्लास्टिक खत्म, बाल्टी वहीं जल जाएगा। कुल मिलाकर वो हीट दे रहा है, तो जो हीट देगा उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। समझ रहे? इंडोथर्मिक पता चल गया, रिएक्शन का बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का जिसमें हीट चेंज हो रहा है। हीट चेंज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका जुगाड़ कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल रिएक्शन कैसे हीट चेंज करता है, दो ही फंडामेंटल टर्म है। और वो है एक तुम्हारा कि अगर हीट तुम्हारा ले रहा है इंडोथर्मिक और हीट अगर दे रहा है तो एक्सोथर्मिक। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा एक है कि नहीं भैया वो ना रिएक्शन ही नहीं हुआ, मेंटेन हो गया, ना ही रिएक्टेंट बड़ा बढ़िया, ना ही प्रोडक्ट बड़ा बढ़िया, इक्विलिब्रियम बना गया, ना ही पूरा पूरा रिएक्टेंट तुम्हारा खत्म हुआ, ना ही पूरा पूरा प्रोडक्ट बना, उसको इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज, ना ही प्रोडक्ट बना बढ़िया से, ना ही रिएक्टेंट खत्म हुआ बढ़िया से, बीच बीच वो में रह गया है ना। दिस वन इज रिएक्टेंट, ये दिस वन इज इक्विलिब्रियम स्टेज। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक पता चल गया। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन अगर हम तुमको बताएं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब हीट दिए तो उसके अंदर जो हीट गया प्लस होगा ना, गया उसमें ऐड हो गया, तो एंथैल्पी जो होगा उसका, मतलब हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसको इंथैल्पी कहते हैं ना। हीट को ही
हीट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी होगा, बात को समझ रहा, वो बढ़ जाएगा क्योंकि हीट ले रहा है, तो हीट बढ़ता, एंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कब? इंडोथर्मिक रिएक्शन में। वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एंथैल्पी चेंज होगा वो जीरो से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। दिस वन इज नेगेटिव, ये गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव होगा तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा। एक्सोथर्मिक अपने आप हो गया, अपने आप जिसके अंदर हीट है, एक्सोथर्मिक का बात कर रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज कर रहा है, तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव होगा। अपने आप रिएक्शन करना जिसका वैल्यू नेगेटिव हो गिव्स फ्री एनर्जी का, तो वो अपने आप रिएक्शन करेगा भाई, उसको इनिशिएट करने का जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव होगा क्योंकि अपने आप जिसके अंदर हीट पहले से बैठा हुआ है, एकदम हीट जिसके अंदर जुनून भरा हुआ है, उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, खुद लग जाएगा पढ़ना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हो? तो ये जुनूनियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, मतलब किसको बता रहे। तो कुल मिलाकर यहां से देखो कि वो बोलता है, गिब्स बोलता है कि जिसके अंदर हीट अगर रहेगा ऑटोमेटिक रिएक्शन करेगा, उसको कराने की जरूरत नहीं है, दिस वन इज स्पॉन्टेनियस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट अगर वो रिलीज कर रहा है, मतलब हीट पहले से था, तो उसको कराने की जरूरत थोड़ी है, ऑटोमेटिक होगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव। और एंट्रोपी, एंट्रोपी तुम बढ़िया से जान चुके हो, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस पॉजिटिव होगा, इसलिए कि जैसे ही हीट करोगे, मतलब वो एक्सपेंड करेगा ना, एक्सपेंड फैल जाएगा, छितर आ जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, तो भाई एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा, वो छिरियाल रहेगा ना पूरा, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी प्लस में रहेगा, ऑलवेज प्लस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी प्लस में रहेगा, गिव्स फ्री एनर्जी तुम्हारा प्लस में रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा एंट्रोपी क्या होगा? माइनस। ये अरेंजमेंट में रहेगा, तभी तो अपने आप में नहीं हो रहा है, जो अरेंज है वो अपने आप नहीं होगा, जो अरेंज नहीं है वो ऑटोमेटिक कहीं भी लुढ़क जाएगा। बात समझ रहे हो? सो ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स में तुम्हारा एंथैल्पी जीरो, गिव्स फ्री एनर्जी भी जीरो और एंट्रोपी भी जीरो, कोई दिक्कत। तो पहला पॉइंट तुमको ये, तीसरा जुगाड़ का पहला पॉइंट तुमको ये बताए कि रिएक्शन, हाँ रिएक्शन, एक चीज और तुम देखो, एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, इंडो होता है इंडो, इंडोथर्मिक होगा और इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक, क्लियर है। रिएक्शन देखो, ए बी सी और डी, ये तुम्हारा रिएक्टेंट कहलाता, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। देखो ये यहां गैस लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है गैस होगा, सॉलिड ही होगा, ये गैस और ये हम तुम इसलिए लिखा गया है, ये गैसियस मतलब ये स्टेट को बताता है, ये जो छोटा सा चीज है वो कॉफिशियंट है, वो नंबर ऑफ मोल बताता है, ठीक है, कितना लगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है कितना लगा, और ये स्टेट बताता है, ये स्टेट, तो स्टेट को दिमाग में रखना, कौन सा स्टेट में, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा रहा पहला पॉइंट, इसको जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरा पॉइंट पर चलेंगे, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा है रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वो बात को समझना, एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज, इसमें एक रिलेशन को दिमाग में रखना, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल एन, ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ठीक है। वैसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी, तुम्हारा क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पी डेल वी, ठीक है, अगर नहीं जानते तो वर्क डन जानते हो, प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये W का मतलब क्या होता है बच्चों, पी डी वी, इसी डी वी को हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम। अगर यदि हम क्या करें, इसको डी वी या फिर पी वी के रूप में हम डेल को रखें, पी वी, और आइडियल गैस के लिए ले तो क्या हो जाता है, इसका पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन आर टी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एन आर टी, एन तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा चेंज कर रहा है गैस में, आर टी तुम्हारा कॉन्स्टेंट,
वही तुम्हारा ले लिया गया बच्चों, तुम्हारा क्या नंबर ऑफ मोल्स, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, और ये तुम्हारा कांस्टेंट, आर बी कांस्टेंट और टेंपरेचर कांस्टेंट रखे, ठीक है। ये जुगाड़ है एकदम बढ़िया से, एकदम डायरेक्ट दिमाग में रखना, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। रिलेशन बिटवीन डेल एफ और क्या डेल्यू, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरनल एनर्जी दे रखा है तो कैसे तुम एंथैल्पी किसी रिएक्शन का निकाल सकते हो, या फिर एंथैल्पी दे रखा है कैसे तुम इंटरनल एनर्जी किसी रिएक्शन का निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज थोड़ा सा ये वाला यूज करना। यहां तुम्हारा एंथैल्पी चेंज हो गया, एंट्रोपी चेंज हो गया, ये चेंज ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट, और ये तुम्हारा आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट, ये टी टेंपरेचर हो गया, ठीक है। वेयर करके यहां लिखा हुआ है डेल एन जी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। बात समझा, जो गैसियस में रहेगा उसी का मोल और किसी का। इसमें नोट करने वाला बात यह है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम्हारा रिएक्शन बोलेगा क्लोज कंटेनर में कराए तो क्लोज कंटेनर में गैस जो रिएक्टेंट का होगा वह गैस वो प्रोडक्ट का होगा, कि चेंज करके नहीं किया भाई, जिसने तिसने रख दिया, तो क्लोज कंटेनर में ये गैस का संख्या प्रोडक्ट और ये तुम्हारा कहीं गया नहीं, ये तुम्हारा क्या हो गया गैस जैसे तैसे रह गया। अगर मान लो गैस यहां दो है तो दो ही रह गया, मतलब जैसे तैसे रह गया, कुल मिलाकर इसका वैल्यू जीरो, तो जीरो हो गया तो साफ हो जाएगा पूरा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो डेल एच मतलब एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज बराबर होता है, कब, जब क्लोज कंटेनर का बात करें, पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि गैस बन भी नहीं किया हो, खाली सॉलिड और लिक्विड रहता हो, तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये दोनों बराबर रहेगा, गैस का बात ही नहीं की, गैस बना ही नहीं रिएक्शन में। और तीसरा बात क्या है, सॉलिड और लिक्विड नॉट गैस स्टेट, मतलब स्टेट का फंक्शन, गैस बना ही नहीं। तीसरा बात क्या है कि गैस बना जरूर, लेकिन जितना रिएक्टेंट में बना उतना ही, जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में बना, ज्यादा नहीं हुआ नहीं कम हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल अगर सेम रहेगा, अगर दोनों रिएक्टेंट में जितना है, यहां मान लो दो है यहां भी दो, घट जाएगा क्या ना जीरो आएगा, तब भी ये समाधान हो जाएगा। कार्य समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दूसरा पॉइंट तुम्हारा जुगाड़ नंबर थ्री का दूसरा पॉइंट जो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो तुम्हारा कौन है, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। ये जल्दी फटाफट नोट करो, फिर तीसरा पॉइंट बताते हैं, जल्दी 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 नोट करना है, जल्दी बच्चा लोग जल्दी चले। तीसरा, चलो तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट इस जुगाड़ में हम लोग ये करेंगे, समझना पहले बात को समझना। हीट ऑफ रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का हीट, या फिर उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, बात को समझना। एक केमिकल रिएक्शन का मतलब, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, रिएक्टेंट का अपना एक हीट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो एंथैल्पी का गया, एंथैल्पी जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट का एक अपना एंथैल्पी होगा, और वो अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसका एक अपना पहचान होगा, अपना एंथैल्पी होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, बात को समझो। अगर रिएक्टेंट का अपना एंथैल्पी, अपना हीट है, अपना पहचान है, अपना जान जो भी है अपना है, और प्रोडक्ट का अपना है, तो इसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बना है तो क्या चेंजिंग हुआ, कितना हीट चेंजिंग हुआ, इसी को निकालना हम लोग को, बात समझ रहे हो। तो हीट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट का जो भी एंथैल्पी होगा, प्रोडक्ट का जो भी एंथैल्पी होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, पूरा रिएक्शन जो हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो आखिर क्या हुआ। तो एंथैल्पी जो है रिएक्टेंट का और जो बन गया प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दो, प्रोडक्ट का एंथैल्पी में से रिएक्टेंट का एंथैल्पी को घटा दो, यही चेंज हुआ हुआ हीट रिएक्शन में। रिएक्शन में जो हीट चेंज हुआ होगा बाबू, वो कितना हुआ होगा ये खुद सोच लो, कि रिएक्टेंट में पहले से भी कुछ अपना हीट है, प्रोडक्ट में भी कुछ अपना हीट है, अपना सब पहचान रख ले, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हो गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो आखिर कितना हीट चेंज किया होगा। तो जितना रिएक्टेंट को होगा हम नहीं जानते भैया, उतना रहने दो, ठीक है, वो जो भी होगा प्रोडक्ट का जितना हीट होगा, जो भी होगा प्रोडक्ट का जितना हीट होगा उसमें से रिएक्टेंट का जितना हीट होगा वो घटा दो, हटा दो, जो भी करो, तो यह पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में कितना हीट इन्वॉल्व हुआ।
या तो लिया होगा या तो दिया होगा। बात समझ में आ गया? तो कुछ नहीं किए, दिस वन इज रिएक्टेंट, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, पी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ रहे हो? ये एच आर का मतलब हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन इज एच पी का मतलब हो गया इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट का इंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट का इंथैल्पी है, तो इस पूरा रिएक्शन में कितना इंथैल्पी चेंज हुआ होगा, तो भाई चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को हटा दो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर मान लो इफ रिएक्शन ऑफ हीट मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर यदि जो है वो अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कब आएगा, जब रिएक्टेंट का ज्यादा और प्रोडक्ट कम हो। अरे समझ रहे, रिएक्टेंट का ज्यादा अब प्रोडक्ट का कम होगा तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और रिएक्टेंट का ज्यादा है अब प्रोडक्ट का कम हो गया इसका मतलब कुछ हीट बाहर कर दिया होगा। सो दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात को समझो, समझ में आया बात? अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या होगा, कम। इसका मतलब और हीट कहां गया, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया तो ये तुम्हारा तो ज्यादा था और ये कम है तो और हीट कहां गया, तो भाई रिलीज हो गया होगा, तो रिलीज होना ही तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे बात? ठीक है। और अगर तुम्हारा क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हीट देना पड़ा, रिलीज नहीं हुआ, हीट देना पड़ा, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, मतलब देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक और अगर पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो ये खोपड़ी में थोड़ा सा रख लेना, कुछ अब नोट बताते इसको तुम दिमाग में रखोगे, ठीक है। अब नोट तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट किसको कहेंगे, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड एक स्टेट होता है जिस पर वो अपने आप को सबसे खुश महसूस करता है। बात समझा? कोई भी सब्सटेंस जिस स्टेट पर, कोई भी सब्सटेंस जिस स्टेट में एक कंडीशन लगा दिया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब एट रूम टेम्परेचर, और उसमें जो प्रेशर होना चाहिए 1 bar प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर 1 bar प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहेगा, इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं। अगर इस कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 bar प्रेशर में अगर कोई सब्सटेंस अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल महसूस करता है, उस सब्सटेंस को उस स्टेट पर बोलेंगे एट स्टैंडर्ड स्टेट, दिस वन इज स्टैंडर्ड स्टेट, वो स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। ये चीज देखो, दिस वन इज स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट कितना पर डिफाइन किया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 bar प्रेशर। सब्सटेंस अगर मोस्ट स्टेबल है, अगर कोई भी सब्सटेंस इस पर ज्यादा स्टेबल है तो हम कह देंगे कि वो दिस वन इज स्टैंडर्ड स्टेट, उसका वो स्टैंडर्ड स्टेट हुआ। बात समझा? हर कोई अपना स्टैंडर्ड स्टेट पर स्टेबल होना चाहता है, कोई दिक्कत? तो ये जल्दी फोटो दिमाग में रखो, हीट ऑफ रिएक्शन ही तुम्हारा क्या है वो अलग अलग तरह का है, ठीक है। हम लिख लिख के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि तुमको छोटा छोटा दिखता है ना, इसलिए पहले लिख लेते जब बड़ा दिखे और पता चल जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से तुम देख लो, दिस वन इज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा, तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी में से रिएक्टेंट का एंथैल्पी हटा दो, तुम्हारा रिएक्शन का एंथैल्पी पता चलेगा। अगर ये रिएक्शन का एंथैल्पी नेगेटिव हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये होगा एंडोथर्मिक, और स्टैंडर्ड स्टेट पता चल गया। एक चीज तुमको बना दे, ये जो है ना वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स जो है वो क्या है, वो सबसे पहले अगर फैक्टर देखा जाए तो स्टेट होता है, स्टेट। अगर मान लो गैस से गया लिक्विड बन गया, गैस से लिक्विड हो गया तो गैस से लिक्विड हो गया, कुल मिलाकर एंथैल्पी तुम्हारा चेंज जो होगा वो जनरली पॉजिटिव हो जाएगा। अरे गैस से लिक्विड हुआ है, देख रहे हो, स्टेट तुम्हारा गैस था लिक्विड हो गया, गैस मतलब ज्यादा हीट रख लेता, लिक्विड हो गया मतलब कम हीट रख ले। बात समझ रहे हो? ठीक है। और अगर लिक्विड से गैस गया तो ऑटोमेटिक है पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना है। हाँ, अलेट्रोफिक फॉर्म भी, जैसे कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोफिक फॉर्म भी इस पर अफेक्ट डाल देता है। अगर कार्बन का डायमंड का बात करें, डायमंड सबसे ज्यादा मजबूत होता है,
उसको तोड़ने के लिए बहुत हीट जरूरत पड़ेगा, लेकिन कार्बन का वही ग्रेफाइट थोड़ा सा कमजोर होता है, उसको हीट तोड़ने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब हीट चेंज जो हुआ वो ग्रेफाइट में ज्यादा हुआ, और इसमें क्या हुआ कार्बन में तुम्हारा कम हुआ। तो ये चीज थोड़ा तुम्हारा एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है। जल्दी फटाफट ये पॉइंट को लिख लो, वो सब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत सिर्फ ये है हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट को दिमाग में रखना, ये चेंज को दिमाग में रखना, दिस वन इज द स्टैंडर्ड स्टेट, ये दिमाग में रखना, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक कब हो रहा है, इंडोथर्मिक कब हो रहा है, ये तुमको दिमाग में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जल्दी लिख लो, तब फिर नेक्स्ट पॉइंट तुमको बताएंगे इसका आगे, जल्दी लिख लो, हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात को देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एकदम दिमाग में खोज लो, एकदम दिमाग में बैठा के रखो, एकदम दिमाग में बैठा के रखो। बात क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबसन को तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझोगे, एक एक बात को समझना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड स्टेट तुमको हम बता चुके, स्टैंडर्ड स्टेट कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सब्सटेंस उस कंडीशन में स्टेबल होता है तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट पर, मतलब अपने आप में स्टेबल है, पूरा स्टेबल, तो उसका एंथैल्पी जो होता है ना वो होता है जीरो। ये बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, वैसे हम लिख चुके हैं, ठीक है, ध्यान देना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एक मूल सब्सटेंस बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मतलब लगे, या फिर जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करे, बात समझ में, फिर से बोलते, एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए, एक मोल, बस एक ही मोल, ये बात को दिमाग में खोज के रखो, एक मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगे या फिर रिलीज करे, कहां से, फ्रॉम ईच एलिमेंट, अपना ही एलिमेंट से। जैसे मान लो अगर वाटर का बात करें, किसका बात करें, वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन, तो वाटर जो बना है वो किससे बना, हाइड्रोजन से, एलिमेंट, हाइड्रोजन अपना जो एलिमेंट जिस स्टेबल फॉर्म में रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है तो उससे बना, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है उससे बना, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म करें मतलब कि जिस स्टेट में वो एलिमेंटल रूप में है, मतलब किसी से कंबाइंड वगैरह नहीं किया, जिस रूप में वो स्टेबल है अपना, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने का मतलब कि एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगे या फिर हीट रिलीज करे, मतलब बाहर कर दे, डॉट करे, अपना ही एलिमेंटल फॉर्म से। एलिमेंटल फॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि अपना ही एलिमेंट से, जैसे मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन है, मीथेन तो कार्बन से बना और हाइड्रोजन गैस से बना, तो कार्बन और हाइड्रोजन उसका एलिमेंटल फॉर्म हो गया। तो उससे अगर यदि एक मोल तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस, मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन जो भी बनता, अगर बन रहा है, तो उस एंथैल्पी को, उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ में आ गया, अरे बात समझ लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नहीं होगा, टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी हो सकता है फॉर्मेशन पर, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट किसको बोलेंगे, कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए अपना ही एलिमेंटल फॉर्म से जितना अमाउंट ऑफ हीट या फिर ले या फिर रिलीज करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात को समझ रहा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने वाला वन मोल सब्सटेंस, इसको तो एकदम पी जाओ, इसको तो दिमाग में एकदम बैठा लो, एक ही मोल सब्सटेंस, अगर एक मोल नहीं है तो भगाना पड़ेगा, समझ लो, एक मोल सब्सटेंस होना चाहिए, एक मोल नहीं है तो भगा, क्वेश्चंस में बताएंगे, टेंशन मत लो। फॉर फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपना ही एलिमेंट से, ये भी दिमाग में, एट अ स्टैंडर्ड स्टेट, उसको स्टैंडर्ड स्टेट तुम्हारा क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वन बार प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट अ स्टैंडर्ड स्टेट।
लेकिन सिर्फ अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात करें तो कोई भी टेम्परेचर पर, कोई भी प्रेशर पर हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट का बात करेंगे, जनरली स्टैंडर्ड स्टेट का बात करेंगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, ठीक है। और अगर देखो यहां से तुम्हारा दे दिया गया है, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है, एक तुम्हारा ए है और एक बी है, जो स्टेट तुम लिखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ सॉलिड ले लिया, गैस ले लिया, गैस बन गया, मतलब स्टेट लिखना जरूरी है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है और किस तरह का स्टेट लिया हुआ है, इसलिए हम बार बार लिख दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ सॉलिड होगा, यहाँ लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई हम स्टेट इसलिए इंक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि स्टेट लिखना जरूरी है। केमिकल या थर्मोडायनेमिक में अगर रिएक्शन तुम लिख रहे हो तो उसका स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट। मान लो कि ए बी से, ए एलिमेंट है, बी बी एलिमेंट है, ये दोनों जुड़ा, ए बी एक कंपाउंड बन गया, ए पी एक तुम्हारा सबस्टांस बन गया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को अगर करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ मतलब ये तो तुम्हारा फॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट में तुम्हारा ए बी है, ये भी रख दो, और माइनस मतलब प्रोडक्ट में तुम्हारा ए बी है, ये भी रख दो, और रिएक्टेंट में तुम्हारा क्या ए और बी, तो दोनों जोड़ के रख दो, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ बी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बी, क्योंकि स्टैंडर्ड निकाल रहे, तो दोनों का एंथैल्पी क्या होना चाहिए, और स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। बात समझ में आ गया, ये बात को दिमाग में रखना। एक नोट तुम यहां भी दिमाग में रखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो स्टेबल स्टेट में हो, स्टेबल फॉर्म में हो, जैसे H2O2 है ना, N2O जो भी है, समझ रहे हो, कार्बन सॉलिड जो स्टेबल स्टेट में है, उसमें उसका एंथैल्पी क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। ये खोपड़ा मेरा था, ये जुगाड़ है बाबू, इस जुगाड़ को जितना जुगाड़ करते रहे तुम लोग के लिए, एकदम खोपड़ी में रख लो, एक एक चीज को लिख लो, पाठ बहुत बनेगा इससे, समझ रहे हो, चलो ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कार्य हुआ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब पता चल गया है थोड़ा बहुत कि एक मोल सबस्टांस बनाने के लिए, लेकिन उसी का एलिमेंट से, अपना ही एलिमेंट से, जो एलिमेंट वहां पर जिंदा है, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट अ स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब स्टैंडर्ड का कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, ये ए नंबर हो गया। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, कंबसन एंथैल्पी ऑफ कंबसन, कंबसन वर्ड का मतलब समझते हो, कैसे नहीं समझता होगा, कंबसन का मतलब होता है जला देना, जल जाना, जला देना या फिर जल जाना, ठीक है, कंबसन जल गया, जला देना। अगर एक मोल सबस्टांस को जलाने के लिए या फिर एक मोल सबस्टांस को जलाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है या फिर जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज तो करेगा, कंबसन हो रहा है तो रिलीज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक मोल सबस्टांस को बर्न करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, एक ही मोल होना चाहिए, क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबसन। ध्यान दो, वन मोल सबस्टांस बर्न विथ एयर एट गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर, एक मोल सबस्टांस अगर जलाने के लिए किसके साथ, एयर के साथ, जितना अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबसन कहते हैं। ये जो टेम्परेचर होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट पर नहीं रहता, ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड स्टेट, ये दिमाग में रखना। एक सब्सटेंस है जो ऑलवेज तुम्हारा ऑक्सीजन से कंबाइन करके ही चलेगा, बात समझ में आ गया, तो ये बात को तुम्हारा क्या कर लोगे, एंथैल्पी ऑफ कंबसन में दिमाग में रख लेना। अगर ये तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन है कि ए तुम्हारा एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल गया और ए ओ टू बना लिया, मान लो, माना कि कुछ भी मान सकते हो, तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होगा, तो देखो एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड स्टेट माइनस ये प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का तुम्हारा फॉर्मेशन का एंथैल्पी, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट का हमेशा जो एलिमेंट होता है उसका एंथैल्पी तुम्हारा क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में ऑलवेज जीरो होता है, ये तुम्हारा बता बात बता चुके हो,
ठीक है, इसका जब प्रॉब्लम चलेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन तुम जल्दी लिख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा जुगाड़ करते हैं, जल्दी तुम तब तक लिख लो, जल्दी फटाफट हो गया, चलो नेक्स्ट जुगाड़ के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट टर्म है बच्चों एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का कहने का मतलब ये हो गया कि देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब एकदम बढ़िया समझ रहा, बहुत बढ़िया समझ रहा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब जो हो गया वो क्या हो गया, ये थोड़ा सा समझो बात को, बढ़िया समझ रहा, बहुत बढ़िया समझने की कोशिश कर रहा, ठीक है, देखो समझ रहा। न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब एसिड को अगर बेस में मिला दें तो ये सॉल्ट बना देता है, क्या बना देता है, एसिड को बेस में मिला देता है सॉल्ट और वाटर देता है, तो जब सॉल्ट और वाटर देता है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एसिड को एक बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का चेंज होता है, जितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी का चेंज होता है उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन यहां ध्यान देना पहला बात कि जो तुम्हारा एसिड है बेस है ये दोनों आपस में मिला और सॉल्ट बनाया, क्या बनाया, वाटर। यहां ध्यान ये देना कि वाटर जो बनना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वन मोल वाटर बनाने के लिए, वन मोल बनने में, वन मोल वाटर बनने में जितना चेंज होगा ना हीट उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। बात समझ में आया, नहीं समझा फिर चलता है। एक एसिड लिए एक बेस लिए, ध्यान से समझना, ध्यान से, एसिड और बेस लिए ए तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो एक मोल वाटर बनने में जितना एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, एक के मोल अगर दुख बन गया तो गड़बड़ है, फिर एक के को करो किसी भी तरीके से, अब कहोगे नहीं सर दुख बनिए गया क्या करें हम, तो तुमको कुछ जुगाड़ नियम लगाना पड़ेगा, जुगाड़ बताएंगे, टेंशन मत लो। आगे देखो, एक मोल वाटर बनाने के लिए मतलब ऐसे नहीं कर सकते, एक मोल वाटर ही बनना चाहिए, उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा तुम्हारा चेंज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कहानी समझ में आई, एसिड को बेस से मिलाए, एसिड को बेस से मिलाए सॉल्ट बना वाटर बना, एसिड को बेस से मिलाए सॉल्ट बना वाटर बना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको हम ये बता रहे हैं कि जब एसिड को बेस मिलाए सॉल्ट और वाटर बना, तो वाटर जो है ना एक गो दो गो तीन गो चार गो ये भी बन सकता है, लेकिन एक वाटर, एक मोल वाटर मतलब वन वाटर, वन मोल वाटर, वन मॉलिक्यूल वाटर ऐसे करो, तो वन मोल वाटर बनाने में जितना हीट चेंज किया होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब कहोगे सर वन मोल वाटर ही जबरदस्ती कैसे बनेंगे, तो उसके लिए तरीका, एक मोल वाटर बन सकता है एक वन मोल एच प्लस और वन मोल ओ एच माइनस। अरे बात समझा, नहीं समझा, एक मोल H प्लस अगर एक मोल OH माइनस के साथ मिलेगा तो ऑलवेज एक मोल वाटर बनाएगा। तुम देख लो वन मोल H प्लस आया एसिड से, वन मोल OH माइनस आया बेस से, ये सॉल्ट तो बना होगा वाटर दिया तो एक मोल ना देगा, एक वो H एक वो OH से मिला एक वो H टू वो देगा, समझ रहे बात, तो जुगाड़ नियम लगा दिए एक वो H प्लस और एक। अब तुम कह सर अगर एच टू एस ओ फोर लेंगे तब तो उसमें तो दो एच प्लस आएगा, यही तो कहानी है बच्चा कि उसमें अगर दो एच प्लस आया है तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर देंगे कि उसमें एक एक एच प्लस निकले। अरे बात समझ गया कि नहीं, उतना ही लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, उसके लिए जुगाड़ क्या गया कर दिया गया, वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज विथ बेस, वन ग्राम इक्विवेलेंट। अब वन ग्राम इक्विवेलेंट तो हमको पता नहीं है सर, खास टेंशन दे दिया हमको, एक नया चीज कितने बढ़िया समझ रहे थे, एक नया चीज वन ग्राम इक्विवेलेंट का होता है, ज्यादा कुछ मत जानो, टेंशन वहां मत लो, लेकिन ये वर्ड तो सुना सुना रखो कम से कम कि ये वर्ड का मतलब, हाँ समझ रहे क्या, देखो हम क्या बताए फिर से एक बार समझो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, एंथैल्पी चेंज है, लेकिन कब, जब एक एसिड और एक बेस तुम्हारा आपस में मिला और सॉल्ट और वाटर बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ,
तो सॉल्ट और वाटर, तो वाटर जो बनना चाहिए वो एक ही मोल बनना चाहिए। तो एक मोल वाटर बनने में कहां से, एसिड और बेस से, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कहानी समझ गया, बिल्कुल समझ पा रहा है, ठीक है। अब एक मोल वाटर बने इसके लिए क्या जुगाड़ नियम है सर, एक मोल वाटर बनाने के लिए एक मोल H प्लस होना चाहिए जो एसिड से आएगा और एक मोल OH माइनस होना चाहिए जो बेस से आएगा। बात समझा? अब एक मोल कैसे निकाले सर, अगर HCl है तो एक मोल निकल जाएगा, ये तो मान गए हम बात। अगर HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है तो एक मोल निकल जाएगा, ये तो मान गए बात। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एक मोल OH निकलेगा, इसमें मान गए बात। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आ गया तो OH तो दो को निकल जाएगा सर, तो क्या करेंगे फिर हम उसी को हम क्या कहते हैं, एक नया फॉर्म में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड अगर बोल देंगे, इसका मतलब कि एसिड को तोड़ो, अब जितना आयन आएगा उससे डिवाइड कर दो। नहीं समझा, फिर से देखो यहां आया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और बेस का मतलब कि अगर H2SO4 है इसको तोड़ो तो 2H+ आया ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, उसी को बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जितना आयन आएगा उतना ही से डिवाइड कर देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया बात? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया क्या, समझा कि एक मोल H2SO4 है, एक मोल H2SO4 में 2 मोल H+ आता है, लेकिन हमको चाहिए एक मोल H+, तो क्या करेंगे, अरे यही 2 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा एक मोल आएगा। तो इसको जितना आयन बनेगा उतना ही से डिवाइड करके जितना मोल आएगा, मतलब क्या करोगे, एक ही मोल आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर HCl है तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो इसको देखो, एक के कोई H निकलेगा तो 1A से डिवाइड करोगे तो वह आएगा, तो एक नया टर्म ला दिया गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया बात? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया, जितना H+ या फिर OH- निकलेगा बाहर उतना ही से डिवाइड कर देना, उतना ही नंबर से डिवाइड कर देना। अब जितना मोल आ जाएगा वही तुम्हारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा एसिड हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा मास बेस हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। एसिड और बेस मिलाने सॉल्ट और वाटर बना, एक मोल वाटर बनाने के लिए जितना भी हीट एनर्जी चेंज किया होगा उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये तुम समझ गया होगा। अब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो भी अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बना। उसका जो एंथैल्पी होता है ना न्यूट्रलाइजर, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होता है। बोलो क्या है सर, क्योंकि देखो समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जो टूट जाए जैसे पानी में घोल दहाई से टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगी, डिसोसिएट हो जाएगा, उसको डिसोसिएट करने के लिए कोई भी एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं है, अपने टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस लोगे ना तो अपने टूट जाएगा, फिर सॉल्ट बनेगा और वाटर तुम्हारा बना देगा। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ने के लिए कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो और रिएक्शन कराओ तो ऑलवेज जो एंथैल्पी होगा वो ये की रचन होगा। बात समझ में आया, एक तुम दिमाग में रखते हो, तो ऑलवेज आर सेम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हाँ विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस आर सेम, हमेशा सेम होता है, ये बात को दिमाग। अब कितना वैल्यू होता है सर, तो देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया तो सॉल्ट बनेगा, एक मोल वाटर बना, इसका जो ऑलवेज वैल्यू होगा एंथैल्पी ऑलवेज -57.1 किलो जूल पर मोल, मतलब ये तुम्हारा
ठीक है 57.1 किलो जूल माइनस, माइनस का मतलब रिलीज कर रहा है, मतलब हीट इन दैट, दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड में बेस मिला तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गर्म हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है बात, बात कहानी समझ में आ रही है ना, मेन कहानी समझना है, कहानी समझ में आ रहा है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है। अब अगर यदि वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस कहने का मतलब, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब ये हो गया कि जो पानी में डालो और तुरंत टूट जाए, मतलब अपने आप टूटा हुआ फॉर्म में रहे, उसको तोड़ने के लिए कोई भी अमाउंट का एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता हो, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब वीक एसिड किसको बोलेंगे सर, तो वीक एसिड का मतलब ये हो गया बच्चा, जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको लगता हो तोड़ने के लिए, मतलब टूटा हुआ फॉर्म में नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारा लगता हो तोड़ने के लिए, पहले उसको तोड़ेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यही लग गया तोड़ने के लिए, उसके बाद टूटा, उसके बाद जुटेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में तोड़ने के भले नहीं लगता था, अपने रिएक्शन कर गया भाई, लेकिन वीक एसिड में तुम्हारा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तोड़ने के लिए, जो वीक रहेगा, स्ट्रॉन्ग वाला तो है ही वो टूटा हुआ रहेगा, लेकिन जो वीक रहेगा वो तोड़ने के लिए लगेगा। तो अब तुम बताओ कि उसका जो इंथैल्पी चेंज होगा, अगर मान लो ये इतना अमाउंट ऑफ रिलीज कर रहा है 57.1 किलो जूल रिलीज कर रहा है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग अगर तुम लोगे तो ये तो टूटा हुआ है मान लिए, लेकिन ये तो टूटा नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ खर्चा हो जाएगा कि नहीं, अब यही खर्चा हो गया तो ये घाटा मानेगा कि नहीं, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा इसका इंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या होगा बच्चा बताओ, इसका इंथैल्पी चेंज ऑलवेज इससे कम ही ना होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो अपने तोड़ने में खर्चा कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में खर्चा कहुए भी नहीं किया, लेकिन वीक एसिड को तोड़ने में खर्चा किए, अरे अपने किया होगा ना वो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा हो गया, तो भाई जितना रिलीज करता था पहले अब कम करेगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो और सॉल्ट वाटर बना रहे हो, तो उसमें जो इंथैल्पी होगा वो ऑलवेज 57.1 किलो जूल से कम रिलीज करेगा। उसी तरह से तुम्हारा अगर यदि मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लिया, तो वीक बेस ले लिया तो अरे वो खराब तोड़ने में बल लगेगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा बन गया। तो कहानी समझने का कोशिश कर रहा है कि इसका भी इंथैल्पी कम क्यों हुआ, इसका भी इंथैल्पी कम क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर तोड़ने में लग गया, समझ रहे ना बात, बात समझ में आ गया ना, तो ये बात को दिमाग में एकदम खोस के रख लो और जल्दी फोटाइए छाप लो बबुआ, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझा दिए ये। अच्छा इसमें देखो H3PO4 इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, नाम बता देते हैं, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, दिस वन इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में 3 H+ निकलता है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे भैया, जितना निकलेगा उतने से डिवाइड कर देंगे, उसी को ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अरे तभी ना 1 मोल आएगा H, 1 मोल जाएगा। अब जिस तरह से एसिड से किए उसी तरह बेस करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी फोटो छाप लो, ये तुम्हारा हो गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजर। जब क्वेश्चन सब लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तब मजा आ जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये लास्ट है बच्चा, एकदम ध्यान देना, लास्ट तुम्हारा क्या है, हेस लॉ के एक नाम जाना जाता है, बहुत सिंपल है, एकदम समझ लेना आज का अंतिम बिंदु, ठीक है। देखो ये क्या बोला कि अगर कोई एक रिएक्शन है जो ए से बी जाता है, ए से बी जा रहा है, अगर कोई रिएक्शन ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है, ठीक है, और उसमें जो भी हीट अमाउंट एक्सचेंज हुआ, चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज हुआ, अगर वही रिएक्शन क्या करता है, मल्टीपल, एक ही स्टेप में चल गया वो हीट, और एक क्या किया कि मल्टीपल प्रोसेस जाकर फिर उसी स्टेट में गया, ए से बी जाने में अगर कोई डायरेक्ट चल गया तो उसमें जितना चेंज हुआ भैया, अब घूर घूर के कहो से भी जाएगा तो उसमें जो चेंज होगा वो दोनों बराबर ही होगा। अरे बात समझा, समझ रहे हो, तुम कितनों घूरोगे कितनों इन्हें उन्हें जाओगे, लेकिन हीट जो चेंज होगा वो वास्तव में क्या हो जाएगा, बराबर। तो वो बोला क्या कि अगर डायरेक्ट चेंज करोगे तो जितना भी हीट अमाउंट होगा वो, या फिर तुम यहां से यहां जाओ क्यू वन अमाउंट लिया, कुछ ही लिया, यहां से आ गया क्यू टू लिया, यहां से आ गया क्यू थ्री लिया, यहां से आ गया क्यू फोर लिया,
तो ये जितना तुम लिया ना या सबका बाप यह है, मतलब ये दोनों बराबर रहेगा, ये सब का आर ये, मतलब क्यू बराबर तुम्हारा क्या रहेगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर। बस ये खोपड़ा में रख लो, बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुमको देखने को मिलेगा। बात समझा, ये रहा तुम्हारा जुगाड़ नंबर थ्री, थर्मोडायनेमिक्स जुगाड़ नंबर थ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बच्चों हम बहुत सारा क्वेश्चन को डील करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, तब तक के लिए बाय।